हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए लेक्चर में जिसका टॉपिक है रिवाइटलाइजेशन ऑफ सिटीज इन 20th सेंचुरी। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि 19th सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो मेनी सिटीज वर फेसिंग ए क्राइसिस। बहुत सारे सिटीज जो है बहुत सारे क्राइसिस, भले वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, जॉब्स का हो, रेजिडेंस जो है उस जगह को छोड़ने की जगह हो, तो ये सारे के सारे जो है क्राइसिस फेस कर रही थी। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पर स्टार्ट हो चुका था। इन द लेटर हाफ द सेंचुरी सिटीज बिगेन टू एक्सपीरियंस ए रिसर्जेंस एंड न्यू मूवमेंट इमर्ज टू रिवाइटलाइज एंड रिजुनेट अर्बन एरियाज। जो सिटी वाले एरियाज थे उनको वापस से एकत्र करना और उसको वापस से एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिससे वो वापस से जी उठे। वन की फैक्टर इन द रिवाइटलाइजेशन रिवाइटलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच मेड इट इजियर फॉर पीपल टू लिव एंड वर्क इन द सिटी। तो उसका सबसे मेन की फैक्टर था कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जिससे जो लोग हैं सिटी के अंदर ही रहकर काम कर पाए, क्योंकि और उन्हें सिटी छोड़नी ना पड़े। क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि वहां पर जो सिटीज है वो लोग छोड़कर भागने लगे थे। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सेस ऑफ पॉल्यूशन होने लगा था। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर वॉज टू रिन्यूड इंटरेस्ट इन हिस्ट्रिक प्रिजर्वेशन। आर्किटेक्ट, प्लानर एंड सिटीजन बिगेन टू रिकोगनाइज द वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग एंड रिपर्पजिंग हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो जो हिस्टोरिक बिल्डिंग पहले टूट चुकी थी उनको वापस से उनका प्रिजर्वेशन किया गया, उनको प्लान किया गया और उसकी वैल्यूज जो है लोग बाग स्टार्ट जानना स्टार्ट करने लगे। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेज ऑल्सो प्लेड ए रोल इन द रिजुविनेशन ऑफ सिटीज। दीज स्पेसेज प्रोवाइडेड रेजिडेंट्स विद प्लेस टू गैदर, रिलैक्स एंड एंजॉय द सिटी। तो जब अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारे गार्डन्स अपनी सिटी के अंदर डेवलप किए गए जिससे जो है लोग वहाँ जाकर आराम से शांति से बैठ सकें, एंजॉय कर सकें, रिलैक्स कर सकें, तो इन सारी चीज़ों से ही जो है अर्ली 20th सेंचुरी में सिटी का जो है रिवाइटलाइजेशन हुआ। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एम टू इंकरेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग हेल्प टू अट्रैक्ट न्यू रेजिडेंट्स एंड बिजनेस टू दी सिटी। तो जिन जिन सिटी ने इस टाइप की न्यू पॉलिसीज अपनाई जहाँ पर लोगों के रहने के लिए प्रॉपर घर होंगे, गार्डन होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छा होगा ताकि लोग जो है सिटी के अंदर ही रहकर काम कर सकें, तो इस टाइप की जिस व्यवस्था जिन जिन सिटीज ने अपनाई वहाँ पर क्या है कि नए रेजिडेंट्स को भी उस सिटीज ने अट्रैक्ट किया और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी उस पर्टिकुलर सिटी में बढ़ी। तो ये था अपना रिजुविनेशन ऑफ दी अर्ली 20th सेंचुरी में, जो एक तरह से बोलते हैं कि सिटीज में जो डेवलपमेंट हुआ वो अपन ने पढ़ा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।